हेलो एवरीवन, हमारे पास एक ऑटोमेटा गिवन है और इसको हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। और इंसिडेंटली ये DFA है जिसमें कि हर एक सिंबल से ट्रांजिशंस दिखाया गया है। सो हम आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं NFA पे, ऑर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं DFA पे, बट आर्डेंस थ्योरम हम कभी भी एप्सिलॉन NFA पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसका हमें ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है कि इस DFA के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले पहला इक्वेशन बनाते हैं, और पहला इक्वेशन हम बनाते हैं Q1 इसके लिए। सो Q1 इज इक्वल टू व्हाट, इसको देखते हैं। Q1 के पास, Q1 एक इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट एप्सिलॉन से भी हम आ सकते हैं, मतलब नल सिंबल से भी हम इनिशियल स्टेट पहुंच सकते हैं। इसके बाद Q2 से B लेके आप Q1 में पहुंच सकते हैं। सो यू कैन राइट हियर एज Q2 B, और Q3 से A लेके आप Q1 पे पहुंच सकते हैं, इसलिए यू हैव रिटन हियर एज Q3 A। सो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, एंड नाउ लेट्स राइट अनदर इक्वेशन। लेट्स से आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर Q2। सो Q2 में क्या होगा कि Q2 में Q1 से A लेके आप Q2 पहुंच सकते हैं, सो यू कैन राइट एज Q1 A। सो दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन रीच टू Q2। नाउ इसके बाद Q3 देखते हैं। सो Q3 में आप कैसे पहुंचेंगे, Q2 से सॉरी Q1 से B लेके आप पहुंच सकते हैं Q3 पे। सो दिस इज वेरी सिंपल, Q1 से B लेके आप Q3 में पहुंच सकते हैं। इसके बाद Q4 में अगर आपको पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे, सो देर आर मेनी वेज टू रीच टू द Q4। पहले आप Q2 से A लेके पहुंच सकते हैं, दूसरा रास्ता यह है कि आप Q3 से B लेके पहुंच सकते हैं। यहाँ पे Q4 स्टेट में आप हैं और A लेके आप Q4 पहुंच सकते हैं, और Q4 स्टेट में ही आप हैं और B लेके भी आप Q4 में पहुंच सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ऑटोमेटा को ध्यान से देखें तो आपका जो फाइनल स्टेट है वो Q1 है, इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन वही होगा जो Q1 स्टेट का आउटकम आएगा। तो हमें Q1 में आंसर्स चाहिए। सो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को पिक कर लेते हैं और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। सो Q1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q2 B एंड प्लस Q3 A। नाउ Q2 और Q3 हमें हम अगर Q1 के फॉर्म में रिप्लेस कर सकें तो लेफ्ट हैंड साइड में Q1 होगा और राइट हैंड साइड में भी Q1 होगा। सो हमारे पास इक्वेशन एक इस तरह का आ सकता है, R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP। अगर ऐसा इक्वेशन मेरे पास आएगा तो हम इसका सोल्यूशन लिख देंगे, R इज इक्वल्स टू Q P स्टार बाई दी आर्डेंस थियरम। तो हमें ऐसा ही करना है कि राइट हैंड साइड में भी हमें Q1 लाने की कोशिश करनी है। तो हम Q2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 A, तो Q2 की जगह हमने Q1 A लिख दिया और B यहाँ पे पहले से था। सिमिलरली Q3 की जगह इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ लिख देते हैं Q1 A, और यहाँ पे एक A पहले से ही है, सॉरी Q1 B लिखेंगे और एक A यहाँ पे पहले से ही है। सो यहाँ पे हमें मिला एप्सिलॉन, Q1 अगर हम यहाँ पे से कॉमन लें, सो दिस इज AB प्लस BA। सो आई हैव द इक्वेशन Q1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q1 AB प्लस BA। सो क्या इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज R, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज P। सो अगर ऐसा है तो हम इसका सोल्यूशन आर्डेंस थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन दो कि Q है और P स्टार मीनिंग की AB प्लस BA एंड देन इसका होल स्टार। इसका मीनिंग ये है कि Q1 इज इक्वल्स टू, आपने आइडेंटिटीज में देखा है कि एप्सिलॉन फॉलोड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ। तो यहाँ पे एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BA का होल स्टार, एंड दिस एक्चुअली इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, बिकॉज Q1 इज द फाइनल स्टेट और रेगुलर एक्सप्रेशन वही होगा जो Q1 स्टेट का आउटकम होगा। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज दिस वन, AB प्लस BA होल स्टार। सो
So this is very simple, designing of the regular expression from the finite automata. Thanks for watching. We will take more questions in the next lecture.